किसको कराओगे? बोलते हैं आप मुझे बताइए, कोई भी चीज खत्म हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आज से 10 साल पहले डायबिटीज के पेशेंट ढूंढने से मिला करते थे, आजकल बिना ढूंढे आपको डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं? पहले किसी किसी को कमर दर्द घुटनों में दर्द होने की शिकायतें हुआ करती थी, आज घर घर में बीमारियां के प्रॉब्लम बिना बुलाए मेहमान बन के बैठे। पुराने टाइम में लोग अपने सब्जी जहां उगाया करते थे यूरिया डीएपी वगैरह कुछ कुछ डाला करते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता। आज के टाइम में आप फल सब्जी और अनाज पैदा करने के लिए यूरिया डीएपी तो बहुत छोटी चीज रहेगी, पता नहीं नाना प्रकार के जहर उड़ाते हैं, जब बोते हैं तब भी जहर मिला के डालते हैं, बोने से पहले भी जहर, और मैं तो बताऊं कि गेहूं अनाज आने के बाद भी उसमें जहर डाल के रखते हैं ताकि खराब ना हो सड़ेगा। इन चीजें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट डालेंगी ना, और इन चीजों को आप लोग कभी कवर नहीं कर पाए, कंट्रोल कैसे कर पाओगे? आज दूसरी चीज समझने की बात यह है कि हर आदमी हेल्थ के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप कभी भी किसी हाईवे पे जा रहे होंगे या किसी अच्छे इलाके के जब रेस्टोरेंट पे जा रहे होंगे ना, तो कहीं के होटल और कहीं के अच्छे रेस्टोरेंट पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसके साथ में एक रेस्टोरेंट और मिलेगा ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट, ऑर्गेनिक फूड लिखा हुआ, वहां आपकी जो दाल होगी इधर 150 की होगी तो उधर 250 की होगी, इधर जो रोटी होगी 15 रुपए की होगी तो उधर 25 रुपए की होगी। चेक कर लेना कई जगह ऐसा आने लग गया, और उसमें भी लोग भीड़ लगा के पड़े। तो आने वाले टाइम में दोस्त जागरूकता का काम है, सबसे पहले आदमी कामयाब होगा या नहीं होगा बहुत बात की थी, क्योंकि यहां पे आप मोटिवेट होके गए, हल्ला मचा के गए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों के विकेट बहुत जल्दी गिर जाते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि हम लोगों का दिमाग यह स्वीकार नहीं कर पाता कि इंडस्ट्री मेरे लिए है, हमारे दिमाग में माइंड प्रॉपर सेट नहीं हो पाता कि मैं यहां से कामयाब हो जाऊंगा। और जब तक आपका सामने वाले का माइंड ही प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है किसी भी काम के प्रति, आप कितना भी करो सर, वो तो लिमिटेड टाइम के लिए उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, आपको क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं? लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन जिस दिन आप परमानेंट आपका दिमाग ये सेट कर लेगा कि मेरे को अगर बड़ा और कामयाब कोई इंडस्ट्री बना सकती है, तो हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में टारगेट कर सकती, इसके अलावा मुझे कोई काम बना ही नहीं सकता। आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, आपके वाइफ, बच्चे, कोई पूरा समाज आपके खिलाफ हो जाए, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। आदमी को नेगेटिव ही कोई क्यों करता है जब तक उसका माइंड इस बात को स्वीकार नहीं है। आप देखिए कि स्टूडेंट पार्ट टाइम है ना, और जब पार्ट टाइम में करते हैं तो डायरेक्शन भी करते हैं, साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ में फॉर्म भी भरते हैं, और जब एग्जाम का टाइम आता है तब वो जाके एग्जाम भी देते हैं। मीन्स मैं एग्जाम देना गलत नहीं साबित कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह है कि उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया उसके माइंड में कि तेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये एक ही प्लेटफॉर्म है जो तेरे को बहुत बड़ा बनाया है। अभी तक और कई लड़कों को आपने देखा होगा 12वीं क्लास की पढ़ाई है, माँ बाप चाहते हैं एमबीए करें, ये करें, वो करें, लेकिन 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, अचानक सिर्फ रात दिखाया, उसका दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि अब तो मुझे बड़ा जो बनना है इसी इंडस्ट्री से बनना, वो सारी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ देता है। दोनों की डिग्री आपको इस इंडस्ट्री में मिलती है ना, मतलब जिस दिन आदमी का माइंड सेट हो गया कि मुझे तो यही काम करना है, उसके बाद साफ दुनिया में मजा आता है किसी भी काम को करने में, क्योंकि उसके बाद में उस काम से प्यार हो जाता है। बात को इस काम को करने के लिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस काम से प्यार करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार है? और आदमी जब प्यार करता है किसी चीज से तो वहां थकावट नहीं होती, समझ रहे हो? कॉलेज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे किससे, जब कॉलेज जा रहे होंगे और कॉलेज की 1 बजे छुट्टी हो जाती थी तो कई लोग बेपोतले भी 2:30 बजे तक बस स्टैंड में खड़े रहते, सुबह कॉलेज लगता है 9 बजे, लेकिन किसी और की वजह से जबर
नौ बजे वाला, दो बजे आने वाला, सात बजे निकल के चार बजे आ रहा है, लेकिन फिर भी टिप्पणी लेके जा रहा है। भूख उसको सताती नहीं है सर, टारगेट नहीं, प्यार है, कहीं भी नहीं प्यार है। और किसी भी चीज का प्यार आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल ऐसे बहुत सारे किस्से हुए होंगे। किसी भी चीज से देखिए, जब आप क्रिकेट देखना शुरू करते हैं, कई बार आप देखो या कोई आर्मी से आप देखो, अपने आप में क्या होता है कि शुक्रवार को या संडे को मूवी दिखाई जाती है, और मूवी दिखा सच सच बताना ये सारे लोग हैं, मूवी दिखाई जाती है तो बाई ऑर्डर जो हो जाते हैं कि मर्जी से जाते हैं। क्या बताया जाता है कि आपको जाके मूवी देख के आनी पड़ेगी, नई वाली जो हम पीवीआर में देख के आते हैं, यहाँ 500 रुपए का टिकट देते हैं, वहां फ्री में दिखाई जाती है, पैसे देते हैं। अच्छा सच बताना, जब मूवी दिखाने के लिए जाते हैं तो उसके बाद का सीन क्या होता है, व्यक्ति मिलेगा, अगर किसी को मौका मिल जाता है तो क्या होता है, मौका मिल जाता है तो मूवी छोड़ के और बाहर निकल के और चुपके से लाइट बंद करके सो जाता है, मरा मरा सांस में नहीं लेता है, सांस लेगा तो किसी को पता चल, गलत तो नहीं बोलो। और वही मूवी देखने के लिए अभी पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, जब हम लोग कॉलेज में जाते थे तब एक क्रेज था, अभी भी शायद कि कुछ लोगों की ऐसे धारणाएं होती थी कि किसी भी मूवी जब आती तो पहला शो में देखना है। यस सर, है ना, आज से 10-12 साल 15 साल पहले ये पीवीआर वगैरह ऐसे नहीं हुआ करते, तो लोकल सिनेमा हॉल हुआ करते थे, तो लोकल सिनेमा हॉल पे बहुत लंबी लाइन लगती थी पहला शो देखने के लिए। हाँ, लाइन लगती थी, तो कई लड़के क्या करते थे, 15-20 रुपए का टिकट होता था और वो चपट्टा मार के 20 टिकट खरीदते थे, और वहां पे जो पाइप लगे हुए थे ना उन पे खड़े रहके 20 रुपए के टिकट को 25 रुपए में बेचते थे, लेकिन पहला शो पक्का नहीं थे। क्या लोग वहां पहले शो में लड़ाई करने चले जाते। अच्छा क्रिकेट, अब तो सबके घर में टीवी है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई जरूरत नहीं। आज से 10 साल पहले जाओ, पान के ठेले के ऊपर एक 14 इंची का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता, और जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होता था उस टीवी के आगे कम से कम 100-150 लोगों की रोड पे ऐसे भीड़ लगी रहती थी, और लोग दोनों टांग पे नहीं एक टांग पे ऐसे खड़े हो गए, 6-6 घंटे तक लोग खड़े रहे, नहीं रहे वो लोग, आप उनको 5 मिनट नहीं 2.5 मिनट एक काम करता रहे बहुत अगर करता रह जाए, लेकिन वो भारत पाकिस्तान का मैच देखना या प्यार हो गया मैच देखने से, और इंडिया को जीतते हुए देखना चाहता है, और इसलिए वो आदमी 6 घंटे तक ये भूल जाता है। आप तो छोटे बच्चों को देखो, वो गोगो डोरेमोन छोटा भीम बड़ा भीम आते हैं ना, और आप कभी भी दूध ले जाके रख देना और उसके सामने ऐसे करना, ऐसे तो ऐसे करना, फिर वो रात को पकड़ना, फिर वो रात को पकड़ना, मतलब उसको ये नहीं पता है कि तेरे आंखों के आगे कुछ आ रहा है, तू सब कुछ भूल जाता है, 2 घंटे 3 घंटे और डोरेमोन पगो में लगा रहता है। क्या हुआ उसको, प्यार हो गया, उसको इंटरेस्ट आने लग गया। तो जब आप किसी भी काम को इंटरेस्ट आने लग जाता ना, आदमी थकता नहीं होता। बच्चे को मम्मी बोलती रहती है बेटा सुबह स्कूल जाना है, कोई बात नहीं, मम्मी चलेगा, कम सो लेगा लेकिन साथ डोरेमोन को देखेगा, क्योंकि उसकी क्या होता है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, प्यार हो गया, मोहब्बत होगी उससे डोरेमोन देखने से। अच्छा ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, इसको समझना पड़ता है। आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर आपको बताऊं, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से साइकिल चलाने वाला आदमी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए भी महीना कमाते हिंदुस्तान में, 50 लाख भी कमाते हैं, 70 लाख भी कमाते हैं, 90 लाख भी कमाते हैं, 80 लाख भी कमाते हैं, 20 लाख भी कमाते हैं, 30 लाख भी कमाते हैं, 40 लाख भी कमाते हैं, 5 लाख भी कमाते हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री से बिना पैसा लगाए और कम पढ़े लिखे एवरेज आदमी आज इतने इतने लाख रुपए मतलब करोड़ों तक की रेंज तक महीने में जा चुके हैं। लेकिन हर आदमी ने एक ही काम किया और सारे राज की चीजें उसी में, लाइन बहुत छोटी है, आप चाहता हो तो मैं बताऊं, नहीं बोलिए आप किसी से भी पूछना कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने मेरी मनमर्जी से काम किया, जब मन किया तो किया, मन किया तो नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, कभी छुट्टी बनाई कभी हॉलीडे बनाया
कभी बच्चों के साथ वेकेशन पे गया, कभी मैं शादी में गया, पार्टी में गया, और जिस दिन फकीर था उस दिन मैंने ये काम किया, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। आज जो भी आदमी इस इंडस्ट्री में कामयाब है और जो भी आदमी बहुत अच्छी सक्सेस ले रहा है और जो भी आदमी अच्छे लेवल पे है, आप एक एक का इतिहास बना के देख लीजिए साहब, उसने हर चीज को सेकंड नंबर पे किया और अपनी कामयाबी को नंबर वन पे रखा, चाहे उसके लिए कुछ भी उसको भेजना पड़ा हो, ऐसी बातें भले ही कोई बोल दे, मैं भी आपको बोल दूं, आपका क्लाइंट भी आपको बोले कि कोई बात नहीं बेटा, लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाएगा। तो कई लोग क्या लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं इस चमत्कार के चक्कर में कि एक ना एक दिन तो कामयाब हो ही जाएगा, लेकिन वो पीछे वाले लाइन भूल जाते हैं कि बेटा लगा रहे लगा रहे लगा रहे, वो सिर्फ बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि एक ना एक दिन तो कामयाब होते, लेकिन बैठे रहने से नहीं। पुराने टाइम में हमें कहानी सुनाई जाती थी, कछुए और खरगोश, याद है क्या बनाया था? ये वो लगातार चलने वाला मंजिल पे धीरे धीरे जाता है, लेकिन उस टाइम इंटरनेट नहीं हुआ, उस टाइम 4G नहीं था, उस टाइम 14 इंच के वो ढोबरे आते थे बड़े बड़े, LED नहीं आते थे, समझ रहे हो? और क्या है यार, इतनी सारी जगह तो मेरे आज रखो घर में, जगह किसके पास है इतना मोटा टीवी रखने की, आज तो बिल्कुल स्लिम आता है। तो ये चीजें उस टाइम नहीं हुआ, आज ना खरगोश जीतेगा और ना कछुआ जीतेगा, आज कौन जीतेगा? आज वो जीतेगा तो लगातार भी चलेगा और तेज भी चलेगा, ये चलने वाला लगातार चलने वाला नहीं है, लगातार भी चलना पड़ेगा और तेज भी चलना पड़ेगा, तब जाके मंजिल आएगी। अदरवाइज पुराने टाइम में लोग ओवरटेक नहीं कर रहे थे, आज ओवरटेक करने वाले बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी है, समझो आप। तो ये आज करना पड़ेगा कि मुझे लगातार चलना और तेज चलने वाला, लगातार और तेज चलने वाले, क्योंकि पुराने टाइम की कहावत थी कि लगातार और धीरे चलने वाला भी कामयाब हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता, लगातार और तेज चलने वाला आदमी ही कामयाब होता है। आप तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? लेकिन दोस्त जिससे मोहब्बत करनी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म से, करने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बताऊं,